आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का केस एक पहेली की तरह हो गया। इसे जितना सुलझाने की कोशिश करें इसकी परतें उतनी ही ज़्यादा उलझती हुई चली जाती हैं। अभिनेता की बड़ी बहन मीतू सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर भूत प्रेत जादू टोने का आरोप लगाया था। ये खबरें भी सामने निकल कर आई थी कि बांद्रा स्थित कैपरी हाइट्स बिल्डिंग के जिस फ्लैट में सुशांत रिया चक्रवर्ती के साथ पहले रहा करती थी वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। रिया को अक्सर इस बात का एहसास होता था और अपने इसी डर की वजह से उन्होंने सुशांत को वो फ्लैट छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। अब सुशांत के क्लोज फ्रेंड स्मिता पारिक ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक लाइव टीवी चैट के दौरान स्मिता पारिक ने खुलासा किया कि रिया चक्रवर्ती 2400 घंटे अपनी एक मर चुकी दोस्त की आत्मा के साए में रहती है जिसे उन्होंने बचपन में खो दिया था। सुनने में भले ही ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी लग रही हो लेकिन सुशांत की करीबी दोस्त स्मिता पारिक ने नेशनल चैनल पर एक लाइव इंटरव्यू के दौरान ये दावा किया था। स्मिता पारिक कहती हैं कि मैं पिछले साल सुशांत के पुराने घर जो कैपरी हाइट्स में था अगस्त के महीने में गई थी। तभी मैंने देखा कि वहाँ का बहुत सारा सामान और फर्नीचर गायब है। मैंने सुशांत और रिया से इसके बारे में पूछा तो मुझे रिया ने बताया कि इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसलिए हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। स्मिता ने एक और शॉकिंग खुलासा करते हुए बताया कि सुशांत को पता था कि रिया के साथ उनकी मर चुकी बचपन की दोस्त का साया रहता है। स्मिता कहती हैं कि सुशांत को रिया ने बताया कि उनकी बचपन की दोस्त की आत्मा रिया के साथ रहती है जिसकी मौत 17 साल की उम्र में हो गई थी। सुशांत को रिया ने यह बात बताई कि उसकी आत्मा रिया के साथ जाएगी। वह उस किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाती है जो रिया को परेशान करता है। सुशांत को यह भी बताया गया था कि वो आत्मा उस शख्स को ख़त्म भी कर सकती है। स्मिता आगे कहती हैं कि यह सब सुनकर सुशांत अपने कमरे से बाहर चले गए थे। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती अक्सर सुशांत के घर पर भूत प्रेत भगाने वाले तांत्रिक को बुलाती थी और तांत्रिक क्रियाएं करवाती थी। कथित तौर पर रिया ने इन सभी क्रियाओं और तांत्रिक पर सुशांत के करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सुरभि की रिपोर्ट।